19 Feb 1989, फिल्म जोशीले, एक्टर सनी देओल, अनिल कपूर, श्रीदेव और मीनाक्षी। जी हाँ, ये वो फिल्म जिन्होंने सुपर डुपर हिट, जो कि देखा जाए तो फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाया था। ये वो फिल्म जिस फिल्म में बड़े स्टार्स ने काम किया, लेकिन स्टार्स के बीच काम के साथ साथ बहुत कुछ भी हुआ इस फिल्म के दौरान। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका लेकर आ गई हूँ आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर से जिक्र करने वाले हैं बॉलीवुड में हो रही खास खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में भी, जो कि भले ही उन्हें उस कहानी को ख़त्म हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी लोगों के जुबान पर है, या फिर जिन्हें नहीं पता वो अभी भी इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म जोशीले के साथ भी जुड़ा है, जिसे लेकर फिल्म जोशीले रिलीज होने में काफ़ी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल में किस्सा कुछ इस तरीके से है, जिसमें सनी देओल और अनिल कपूर के बीच काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हो गई थी। भाई, ये बात तो आप बखूबी जानते ही हैं कि सनी देओल कितने ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे उनके उन्हें लेकर के पहचान बनाई गई है। काफ़ी जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्से में वाकई में उनके गुस्से पर उनका कोई भी काबू नहीं। कुछ ऐसा ही वाक्या नज़र आया जब फिल्म जोशीले की शूटिंग हो रही थी। जी हाँ, कहा तो ऐसा भी जाता है कि सनी देओल इस कदर अनिल कपूर से खफा हो गए थे कि जैसे ही उन्होंने फिल्म के सेट पर अनिल कपूर को देखा, उनका खून खौल गया और उन्होंने अनिल कपूर के कॉलर को धर दबोचा और उसके बाद ये बात सीधे हाथापाई तक जा पहुंची थी। अब एक फिल्म के सेट पर दो मल्टी स्टार्स लड़ाई लड़ रहे हों, आपस में हाथापाई कर रहे हों, तो ये चीज़ें देखने के बाद ही समझ में आ जाती है कि मुद्दा काफ़ी गर्म और काफ़ी बड़ा रहा होगा। अब इन बातों को सुनने के बाद अब आपके भी जहन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि दोनों ही इतने बड़े स्टार, जी हाँ, जो कि हर छोटी छोटी इनकी खबरों पर लोगों की, मीडिया की नज़र रहती थी, वो आखिरकार आपस में ही फिल्म के सेट पर क्यों भिड़ पड़े, क्यों उन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा नोकझोंक हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये ज़रूरी जानना है। तो चलिए, अगर आपके दिल में भी उठ रहे हैं ऐसे सवाल, तो ये ज़रूर हमारे रिपोर्ट में देखिएगा ये खबर को, जिसके बाद आपके सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि सनी देओल अनिल कपूर पर हाथ उठाने के लिए काफ़ी इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे और कि उन्होंने अपना आपा तक खो दिया था। सनी देओल का नाम जहन में आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कई तरह की छवि बनने लगती है। ये सभी छवि उनकी फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार की होती है, जिसमें घायल, घातक, दामनी, गदर और इंडियन जैसी फिल्में मौजूद हैं। जी हाँ, फिल्मों में सनी के जानदार डायलॉग्स फैंस शायद ही कभी भूल पाते होंगे। पर्दे पर सनी भले ही गुस्सैल नजर आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वह बेहद ही शांत स्वभाव के हैं। जी हाँ, सनी देओल बस अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। शुरू से ही उन्हें किसी के साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं रहा, लेकिन उनकी जिंदगी में भी एक समय ऐसा आया जब फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी अपने साथी कलाकार पर बुरी तरीके से बिगड़ गए और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के झकास कहे जाने वाले हीरो अनिल कपूर थे। अनिल कपूर और सनी देओल के साथ राम अवतार और जोशीले जैसी फिल्मों में दोनों एक साथ नजर आए हैं। दरअसल 1989 में आई फिल्म जोशीले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सनी देओल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। सनी देओल के सामने अनिल कपूर तब काफ़ी बड़े एक्टर थे और फिल्म शुरू होते समय बड़े एक्टर्स का नाम पहले डाल दिया जाता है। जब फिल्म के क्रेडिट में अनिल कपूर का नाम सनी देओल से पहले डाला गया, तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने आगे की फिल्म को शूट करने से के लिए ही साफ इनकार दिया। इसी साल सनी और अनिल कपूर की राम अवतार फिल्म भी आने वाली थी, लेकिन तब तक दोनों के आपसी रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। फिर भी डायरेक्टर के कहने पर सनी ने यह फिल्म किया। शूटिंग के समय दोनों अपना अपना शॉट
देते और अपने अपने मेकअप रूम में चले जाते। रिपोर्ट की माने तो एक सीन के दौरान सनी देओल ने अनिल कपूर का गला इतना जोर से दबाया कि उनकी सांसें फूलने लगी। जी हाँ, डायरेक्टर के कई बार कट बोलने के बावजूद भी सनी ने अनिल को नहीं छोड़ा। मामले को आगे बढ़ता देख पूरी यूनिट सनी को पकड़ने में लग गई। फिर जैसे तैसे सनी को उनसे अलग किया गया। लेकिन ये खबर आज भी सोशल मीडिया में, जी हाँ आज भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चाओं में रहती है, क्योंकि फिल्म जोशीले जिनमें बड़े बड़े स्टार्स के तौर पर अनिल कपूर, सनी देओल, श्रीदेवी और मीनाक्षी को इसमें लिया गया था। अब इतने बड़े स्टार्स का इस तरीके से आपस में भिड़ जाना, वो भी शूटिंग के दौरान, अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। और यही कारण है कि अनिल कपूर और सनी देओल आज, जी हाँ आज के दौर में, वो कभी भी एक साथ काम करते हुए नज़र नहीं आए हैं। जी हाँ, क्योंकि इनका किस्सा, इनकी दुश्मनी आज भी उसी तरीके से कायम है। जी हाँ, आज भी इन दोनों को एक साथ आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके इतने सालों पुरानी खटास के बावजूद आज भी अपना ये दुश्मनी नहीं भूल पाए हैं। और इनके बीच का जिस तरीके से बर्ताव है, वो आज भी इनके बीच में इनकी लड़ाई को लेकर बना हुआ है। लेकिन फिल्म काफ़ी अच्छी खासी हिट साबित हुई थी। तो देखा आप सभी लोगों ने, कहते हैं बॉलीवुड गलियारों में जो चीज़ें चकाचौंध की दुनिया में जो चीज़ें नज़र आती हैं, दरअसल में वो पर्दे के पीछे काफ़ी अंधेरी है या फिर धुंधली है। बहुत से ऐसे किस्से और कहानियां हैं जो अभी भी बॉलीवुड की कई किताबों में दबी पड़ी हैं। लेकिन हम यानी फिल्मी अड्डा की टीम की तरफ से, फिल्मी अड्डा पर हम आप लोगों के लिए बॉलीवुड के साथ जुड़ी ऐसे ही अलग अलग कहानियाँ और किस्से लेकर आते रहेंगे। लेकिन हाँ, आप भी बॉलीवुड के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अपने फेवरेट स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।